फ्रिज दाम पर। स्वाति, नोसिल क्या किया जाए? इस नोसिल एक अच्छा काउंटर है जिस हिसाब से हम मोमेंटम रैली नजर आ रहे हैं, बट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसमें 272-274 का है। जैसे वो ब्रेकआउट दे देगा तो मुझे लगता है ये 285-300 के लेवल्स वापस टेस्ट कर सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से उनका बाइंग कॉल है तो 260 का एक फिक्स स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हो। सवालों को एक साथ क्लब कर लेता हूँ। एक अमित जी का सवाल है एमटायर टेक को लेकर, 100 शेयर हैं 1800 के दाम पर। एक संदीप जी का सवाल है आईआरबी इंफ्रा को लेकर, 1000 शेयर हैं 23 रुपए के दाम पे, क्या करें दोनों में? आईआरबी इंफ्रा की अगर बात करें तो इसमें मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि काफी अच्छी रैली हमें देखने मिली है 45 के लेवल्स तक, एंड यहाँ पे ये काफी टाइम से होल्ड कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे ऑल टाइम हाई इसका 47 के रेंज में ही है, एंड आज ही उसने जो ऑलमोस्ट उसने किया है टच्ड, एज ऑफ नाउ मैं कहूंगी कि 44 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, एंड वो स्टॉप लॉस करके आप अपने लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। वी माइट फेस सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग एट द करंट लेवल्स। अगर नहीं 48 का ब्रेकआउट दे देता है तो मुझे लगता है वापस इसमें पोटेंशियल है कि 42-40 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, तो आप अपना पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, बट एक 44 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। एंड अपसाइड में आई बिलीव जैसे ही 47-48 का ब्रेकआउट दे देगा तो 52 के अपसाइड हमें रैली देखने मिल सकती है, तो करंट लेवल पे होल्ड कीजिएगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 44 लेवल्स। ओके, तो 44 के जोन्स के लिए आप एक स्टॉप लॉस लेके बने रह सकते हैं। एमटार पे भी आपने राय दे दी। ये एमटार टेक की अगर बात करो तो इसमें एक काफी अच्छा करेक्शन हम लोग ने नजर आ रहा है लास्ट 3-4 दिनों से देखोगे तो, जिस हिसाब से इसने कंटिन्यूस इंट्राडे लोस बनाते जा रहे हैं तो व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है। करंटली 2150 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, 20 डीएमए के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो जो टेक्निकल सेटअप है लिटिल बिट कॉशियस है। अवॉइड लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करने चाहिए, बट प्रीवियस स्विंग लो का एक सपोर्ट है 2130 का, वो जब तक होल्ड करता है तब तक हमें उम्मीद रख सकते हैं कि पुल बैक रैली आ सकती है, बट ओवरऑल व्यू मेरा कॉशियस है। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर काउंटर से एग्जिट करना चाहिए कोई भी अगर उछाल आती है तो दैट विल बी द माय कॉल।